कॉमिक तो पढ़ लिया, अब टाइम है म्यूजिक सुनने का। मेरा सबसे फेवरेट किलर बॉय रैट्स। ये डिंग चैक बोलो डिंग चैक। ये देखो मेरे प्यारे फ्लफी वफी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ। ये लड़का भी ना। हेनरी, वो म्यूजिक बंद करो। बकवास है। मॉम को जरा भी लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है, पर मैं सुधरूंगा कहाँ। दुश्मनों में आया। मैं आज की बेस्ट बॉयज की मीटिंग शुरू करने की इजाजत देता हूँ। टेड, इस हफ्ते तुम एजेंडा पढ़ो। तो आज के एजेंडा का पहला आइटम है, कौन इस हफ्ते का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच पहनेगा। वो मैंने पौधों को पानी दिया। मैंने अपनी मॉम की शॉपिंग में हेल्प की। मेरे बर्थडे में अभी काफी टाइम है, फिर भी मैंने अपने सारे थैंक यू लेटर्स लिख लिए। इससे पहले कि कोई मुझसे कुछ कहता, मैंने अपने सारे टॉयज को फिर से एक बार ठीक से रख दिया। तो मुझे ही इस हफ्ते का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉय होना चाहिए। तो एजेंडा में अगला आइटम क्या है? अगला है इस हफ्ते का बेस्ट बॉय सिंबल। अच्छा, तो किसी के पास कोई आइडियाज हैं? हम एक फूल बना सकते हैं, शायद फिर एक एप्रन। हाँ, या फिर किसी टूथपेस्ट, क्यों? हाँ, ठीक है, सारे बड़े ही अच्छे अच्छे सुझाव हैं, पर मैं सोचता हूँ एक हेलो होना चाहिए। तो एक हेलो तय हुआ। पीटर, बोलो गॉर्डन, क्या तुम्हें लगता है? क्या गॉर्डन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें टर्न बाय टर्न ये करना चाहिए? नहीं, ये तो चीफ बेस्ट बॉय का काम है और वो मैं हूँ। किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें इससे अच्छा लगेगा गॉर्डन, तो तुम सेकंड बेस्ट बॉय बन सकते हो। ओके। और मेरा क्या? तुम बन सकते हो बेस्ट बॉय के सेक्रेटरी। तो क्या बेस्ट बॉय के सेक्रेटरी के लिए कोई आइटम है? एक्सक्यूज मी, कहो। नहीं, मतलब कि मैं पूछ रहा था कि मैं क्या बनूंगा चीफ बेस्ट बॉय। तुम बन जाओ थर्ड बेस्ट बॉय, और वो भी सफाई की खास जिम्मेदारी के साथ। वाह, मुझे बड़ी ही होशियारी से दुश्मन के इलाके पर नजर रखनी होगी। तो और कुछ काम बाकी है? मेरी बर्थडे की पार्टी। कितना मजा आएगा। क्या बर्थडे पार्टी? मैं बहुत दिनों से किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं गया हूँ। हाँ, बड़ा मजा आएगा, है ना? क्या हम पौधे लगाएंगे? नहीं, वो पेडलिंग प्रो वाली पार्टी। यक, नहीं। मुझे पता है, ये साफ सफाई करने वाली पार्टी होगी, है ना? क्या? नहीं। तो फिर किस तरह की पार्टी होगी ये? मैं क्लू देता हूँ। ब्रम ब्रम। ओह, ये तो गो कार्ट लगता है। इसका नाम गो कार्ट क्रेजी होना चाहिए। क्या तुमने कुछ सुना? या फिर हमने तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनी, या फिर कोई हमारी जासूसी कर रहा है। उप्स, कुछ सोचना होगा जल्दी से। डरो मत, मैं तुम लोगों की सुरक्षा करूंगा। क्या मतलब तुम हम सब की सुरक्षा करोगे? SPPS आपकी सेवा में तैयार है। पर ये SPPS क्या है? स्पेशल पार्टी प्रोटेक्शन सर्विस। इसका मतलब कि मैं तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। किससे सुरक्षा? एलियंस और भूतों जैसे पार्टी पूपर्स से। एलियन जैसे पार्टी पुपस वो? हाँ, वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि किसी की पार्टी को बिगाड़ दे। ये क्या है हेनरी? ये पार्टी पुपस का एक औजार है। ये तो टॉयलेट रोल के अंदर का हिस्सा है हेनरी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये टॉयलेट रोल के अंदर का हिस्सा लगता है, पर ये नहीं है। यही है जो तुम्हारे और अन्नॉय इलेक्शन हेनरी। हाँ, बिल्कुल वही।
वैसे तुम्हें इतने लंबे लंबे वर्ड्स कैसे आते हैं? अब टॉपिक मत बदलो हेनरी, तुम हमारी जासूसी कर रहे थे। मैं तुम्हारी पार्टी की सुरक्षा के लिए आया था गॉर्डन। ओके, तुम फिर से टॉपिक बदल रहे हो हेनरी। एक मिनट रुको पीटर, मेरा मतलब है चीफ बेस्ट बॉय, शायद ये सच बोल रहा हो। मैं गॉर्डन के साथ अग्री करता हूँ, मतलब कि मैं सेकंड बेस्ट बॉय के साथ हूँ। चीफ बेस्ट बॉय, मैं भी। ओह ग्रेट, तो ये है प्लान। अब आगे क्या होगा हेनरी? आगे क्या होगा? मुझे पता करना होगा आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? ये तो बड़ा ही आसान था फैंग। मैंने उनसे कहा है कि जितने हो सके उतने पार्टी पूपर प्रोटेक्टर्स को बुला ले और खाली टॉयलेट पेपर रोल्स भी कलेक्ट करे, क्योंकि इनकी जरूरत गॉर्डन की पार्टी में पड़ सकती है। और मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मुझे पार्टी में बुलाए ताकि मैं उन पार्टी पूपर्स पे नजर रख पाऊँ और एलियंस वहाँ आकर सबको अनोयलेट ना करे। अनोयलेट क्या भारी वर्ड है यार। अच्छी कोशिश थी हेनरी। तुम्हारा क्या मतलब है कीड़े? मेरा मतलब है अच्छी कोशिश की तुमने अपने आप को गॉर्डन की पार्टी में इनवाइट कराने की, मगर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है बच्चे। मैं बताऊँ तुम्हें मुझे ऐसा क्यों लगता है हेनरी? क्यों बोलो ना, मुझे भी सुना ही दो। क्योंकि गॉर्डन की पार्टी में सारे बेस्ट बॉयज को बुलाया है और तुम बेस्ट बॉय नहीं हो और कभी बनोगे भी नहीं। ऐसा तो पीटर को लगता है। तो अब एजेंडा का आइटम नंबर 64, इस हफ्ते के अच्छे काम। मैंने सारे लॉलीपॉप रैपर्स उठाए। मैंने पार्क में बेबीज की देखभाल की। ऐसे लोगों से खुद को बचाना जो हमें धोखा दे सकते हैं। मैं गोकार्ट को क्रेजी पार्टी में जाने के लिए कुछ भी करूंगा। आइटम नंबर 357, नए बेस्ट बॉयज क्लब के मेंबर्स। क्या कहा? पर मैंने तो एजेंडा में ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, सारा कूल क्यूट, कलर स्पेलिंग्स लिखे हैं। ये देखो पीटर। मुझे देखने दो। पर ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। पर ये एजेंडा में है पीटर, हमें एजेंडा के हिसाब से जाना है, नहीं तो क्या होगा तुम्हें पता है ना। पर जो भी मेरे साथ है अपने हाथ ऊपर करें। मैं कहाँ हूँ? तो कोई है जिसे बेस्ट बॉयज क्लब ज्वाइन करना है? हाँ मैं हूँ, मुझे करना है। तुम्हें करना है? हाँ करना है, मगर। मगर क्या हेनरी? मगर मुझे बिस्तर ठीक करना नहीं आता, टाइडी रहना नहीं आता, अच्छे काम करना नहीं आता, सच में मुझे कुछ ठीक से नहीं आता। कोई बात नहीं हेनरी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, इसकी बातों में मत आओ, क्योंकि ये कुछ भी अच्छे नहीं कर पाता, ये कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहता और इसे सिर्फ बुरा बनना ही अच्छा लगता है। और ऐसे कभी भी एक भी गुड बॉय गोल्ड स्टार नहीं मिला है। ओह, तुम मेरा एक गुड बॉय गोल्ड स्टार ले सकते हो हेनरी। तुम्हारा बेस्ट बॉयज क्लब में स्वागत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? चलो सब चलकर कुछ सफाई करते हैं। मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े गोकार्ट को क्रेजी पार्टी में जाने के लिए। अब आएगा मजा। हे हेनरी, तुम भी हमारे साथ आओ हेनरी। क्या? नहीं।